फाइनेंस को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। आज के सेशन में शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट देखने को मिला है 140 के डबल बॉटम के बाद। लास्ट जिस तरह से आज के सेशन में स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है, सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर निकल गया है और हम देख रहे हैं काफी दिनों से एनबीएफसी में बढ़िया मूवमेंट नजर आया है, तो मुझे लगता है यहाँ से एमएनएम फाइनेंस बढ़िया अपसाइड मूव दिखा सकता है। इंट्राडे के लिए 165 के टारगेट्स के लिए एमएनएम फाइनेंस को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 159 का। पोजिशनल ट्रेडर भी यहाँ पर पोजिशन बना सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के चार्ट जिस तरह का ब्रेकआउट एमएनएम फाइनेंस में आया है, मुझे लगता है 2 से 3 दिन के अंदर 172 रुपए तक के अपसाइड मूव भी देखने को मिलेंगे। तो डे ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर दोनों यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 159 का। कि ये जो यहाँ पे कोलपा है, कोलगेट पामोलिव है, वहां पे अच्छा एक फॉर्मेशन बना है, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना था, उसके बाद डबल बॉटम बना है, पूरा राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बन रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे काफी अच्छी तेजी बन सकती है। 1715-20 के करीब अवेलेबल है, करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। 1780 से लेकर 1800 के टारगेट्स नजर आ रहे हैं और हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है तकरीबन 1690 का, जो काफी नियर बाय का स्टॉप लॉस है। और अगर आप कल के दिन में देखें तो इसमें काफी अच्छे इन्फ्लोज भी हुए थे, तो ओवरऑल हमें लगता है कि कोलपाल करंट लेवल से बाय करके चले, 1690 का स्टॉप लॉस 1790 के टारगेट्स के लिए।